मजा आने वाला है। जी से आपकी शुरुआत हुई है, अभी भी यहाँ पे कोई टेबल खाली नहीं है, खबट करी हुई है, ऐसा लग रहा है सैनिटरी की दुकान पे आए हैं। और मेरे को इडली के साथ सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है, देखा जाए कौन सी जगह अच्छी नहीं लगी है, ओके ओके लगी। दो तरह के इसमें, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, कितना सही लग रहा है, है ना, अच्छा लग रहा है। हेलो फूडीज, स्वागत है आपका फूडी वी में। तुम्हें जी की तरफ लेके आ गए कुछ जनों का कोचा विश्वसनीय। तो गाइस आजकल जो जमाना है ना वो बहुत ज्यादा बदल गया होगा। पहले के टाइम पे अगर हमको कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करना होता था तो हम गूगल पे करते थे सर्च, उसके रिव्यूज देखते थे। पर नाउअडेज हम फूड ब्लॉगर पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हुए, उनके सजेशंस जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आज हम हमारे चंडीगढ़ के फूड ब्लॉगर के सजेशंस लेने वाले, उनके फेवरेट रेस्टोरेंट में जाने वाले और देखेंगे कि क्या वो वर्थ इट होने वाले हैं या नहीं। और ये है इस सीरीज का चंडीगढ़ एडिशन। और अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज का पार्ट टू हम आपके शहर में आके करें तो फटाफट कमेंट कर दो अपना शहर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं वीडियो को शुरू। गाइज ये जो हमारी नई सीरीज है ना, इसके लिए मैं हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड। हमको काफी ऐसी जगह ट्राई करने को मिल रही है जो आज तक हमने ट्राई नहीं करी है। और अगर फूड ब्लॉगर्स की फेवरेट जगह होने वाली है ये, तो एक तरीके से शहर का बेस्ट खाना हम करने लगे हैं ट्राई। पहली जगह हम आए लिटिल इडली में, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी इडली देने वाले लोग। और ये जगह रिकमेंड करी है ओए फूडी सिंह ने, जल्दी से देखते हैं उन्होंने यहाँ का डोसा बोला खाने का, ये देखते हैं कैसा होने वाला है। रिकमेंडेड डोसा जो मतलब सबसे बढ़िया होगा, रागी मसाला एंड रवा मसाला एंड पुड़ी मसाला। एक रागी मसाला डोसा कर दो, प्लेन मसाला डोसा कर दो, एक आप कर दो पूड़ी इडली कर दो स्पेशल। रागी डोसा जिसके साथ यहाँ पे दिया गया वेजिटेबल कोरमा, नाम जगह का है लिटिल इडली। पर इडली का साइज जरा चेक करो, ये है, अच्छा लिटिल भी आ गई है, ये है टटे इडली। टटे इडली शुरुआत करने जा रहे हैं हम रागी डोसे के साथ, क्योंकि आज तक कभी नहीं खाया। घी की पूरी बारिश हुई है इस डोसे में, सच्ची यार थोड़ा रागी है ना, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है जल्दी। वेरी नाइस, सच्ची में बहुत टेस्टी यार। मजेदार, सच्ची में मजा आ गया। मेरी चंडीगढ़ की बेस्ट साउथ इंडियन फूड वाली जगह बन चुकी है ये। आज तो फूड कोमा में जाने वाले, अभी तो वीडियो की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ आना है वीडियो में भाई, पूरी वीडियो देखना एंड तक, बहुत ही मजा आने वाला है। आज जी से आपकी शुरुआत हुई है, कितना सही लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। डोसे के साथ कोरमा पहली बार ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। अभी तो इडली भी खानी हमने। हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आपके पास केक नहीं है तो आप यहाँ से इडली भी लेके जा सकते हैं, किसी को हैप्पी बर्थडे मनाना है तो। एक बार ये सांभर टेस्ट कर मीठे वाला, वो ऐसा लग रहा है गुजरात से आया है। और मेरे को इडली के साथ सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है, नारियल की चटनी। रहा नहीं गया बंदे से भाई, मजा आ गया। तुम्हारे भाई का काटने का तरीका देखो इडली के अंदर, आदित्य अच्छे से काटता है। एक वेज की मोमोज कर दो। नहीं नहीं चिकन वाले कर दो, मोमोज का मजा चिकन में आता है। दोनों कर दो आप, एक चिकन कर दो और एक वेज कर दो। एक है मुझे बीमारी जिसे कहते हैं फोमो, अब हम खाने आए हैं एंट्रियो के मोमो। जो इसको एक बीमारी दी है, इसको बहुत सारी बीमारी है, जिसमें एक है फोमो और दूसरा है मेरे पति का खून चूसना, लाओ खून चूसू। ये सजेस्ट करी गई है फूडी टेल्स के द्वारा, अब देखते हैं इनके मोमोज कैसे होने वाले हैं। तो जी मोमोज अपने आ चुके हुए, अब होएगा कंपटीशन की वेज वाला बेटर है या नॉन वेज वाला। ऑफ कोर्स वेज। ये रहा हमारा वेज मोमो जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, ये रहा हमारा गर्मा गर्म वेज मोमो जो कि अभी भी बहुत गर्म है। ये रही हमारी चटनी,
मोमोज मोमोज जैसे हैं, पर जैसे तुम कहते हो कि बिल्कुल जूसी है। हाँ, जूसी वाले नहीं है। सब्जियों में जूस कहाँ ही होएगा, चिकन में होएगा ना जूस। देखते हैं इसमें एक बार, इसको तोड़ते हैं देखते हैं। ये लग रहे हैं जूसी भाई, ये जूसी। और मैं मुक्ति वाली गलती नहीं करूंगा, दूसरा साबुत पीस उठाऊंगा, चटनी में डुबाऊंगा। इनकी मिर्च वाली चटनी बहुत स्पाइसी है, प्लेट करना बहुत स्पाइसी। चिकन अच्छा, चिकन अच्छा, चिकन अच्छा। हाँ, ये जूसी है, ये जूसी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को वेज की जगह नॉन वेज मोमो ज्यादा अच्छे लगे। तो जो विनर है वो है जी चिकन मोमो, बहुत ज्यादा बढ़िया। प्राइस है इसकी अराउंड 150 रुपीज, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे। चटनी भी तीखी है, नॉन वेज वाले सच्ची अच्छे लगे। पहली बार मुझे नॉन वेज मोमोज अच्छे लगे। और इस जगह पे मटन मोमोज भी मिलते हैं एंड पोर्क मोमोज भी मिलते हैं, तो किसी ने अगर ट्राई करना है तो। तो गाइस बुखर चंडीगढ़ियंस द्वारा हमें रिकमेंड करी गई है प्लेस जिसका नाम है गन्नू जी। श्री गन्नू जी, वाह कितना क्यूट नेम है। और यहाँ पे हम खाने आए हैं खस्ता पराठा, खा के देखते हैं कि खस्ता होगा या नहीं। क्रंची होना चाहिए तभी मजा आएगा। भैया एक प्लेट खस्ता पराठा कर देना। जिंदगी में पहली बार खस्ता पराठा मैं खाने लगा हूँ। मैंने तो सुना ही पहली बार खस्ता पराठा भी होता है कुछ, पर 110 के हिसाब से पराठे के मामले में थोड़ा सा कॉस्टली है यार। तो बट मेरे को एक चीज टच करने पे ऐसा फील हो जैसे पैटी नहीं फील होती है। हाँ, मल्टीपल लेयर है इसकी। हाँ, जैसे लच्छे पराठे में होती है, दाल मखनी। तो गाइस एक बात तो कहनी पड़ेगी, क्रंची ये पूरा है। अगर ये अमृतसरी कुलचा होता तो मैं ऐसे स्क्वीज करके दिखा देता आपको, बट अब टूट चुका है, अब नहीं हो पाएगा, बट इट इज नाइस। मुक्ति, तू एक टीचर बनती है अपने आपको ना, हर किसी को ज्ञान देती है, तो इसको तो कितने नंबर देगी तू? मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मैं इसके बदले में एक लच्छा पराठा खाना प्रेफर करूंगी या कोई पराठा। इसको मैं दूंगी 10 में से 5 नंबर बिकॉज ऑफ बहुत स्ट्रिक्ट है वैसे ये। मैं इसको 10 में से 7.5 दूंगा, मुझे ये अच्छा लगा। वंस इन अ व्हाइल दिस इज गुड टू हैव, पर अगर यही चीज 60-70 रुपए की होती ना मजा आ जाता। और जितनी भी जगह आज हम ट्राई करेंगे उसकी लोकेशन दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको भी कभी आके खाना हुआ तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं एक बार। अच्छे कर्मों का होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा फल। और अब हम आ चुके हैं खाना खाने एट सोशल। ये जगह जो है ये हमें रिकमेंड करी है फूड कन्या टेल्स ने, देखते हैं उनकी रिकमेंडेशन कैसे होने वाली है। लेट्स सी। सोशल में ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, परंतु बाहर से जो इन्होंने सजावट करी हुई है ऐसा लग रहा है सैनिटरी की दुकान पे आए हैं टॉयलेट की सीट लेने। और यहाँ पे सोशल में ना आपको हर चीज बताई जाती है कि वो क्या है, जैसे कि ये है पानी, ये है प्लेट, क्योंकि हमारे माथे पे नहीं लिख दिया इंसान। तो जी अपनी चाइनीज थाली आ चुकी है और लिटरली इन्होंने थाली दे दी हुई है हमें। प्राइस है इस थाली की 390 रुपीज, जो कि मुझे लगता है एम्बियंस के हिसाब से सही है। और यहाँ पे अपने पास है मोमोज, ग्रेवी, नूडल्स, स्प्रिंग रोल। अच्छा खाना, अच्छा आगे देखते हैं ब्लेंड है या नहीं, देखने में लग रहे हैं मुझे ब्लेंड है। हाँ, ग्रेवी के साथ बहुत बढ़िया लग रहा है। ये मोमोज ना हमेशा विवादित ही रहेंगे, ये तिब्बतन है, चाइनीज है, मतलब नेपाली है, नेपाली है, देसी मोमो है। अच्छे है, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी है, वर्थ है, अच्छी है, वर्थ है, आप आगे खा सकते हैं। सोशल को ना मैंने और आदित्य ने मिलके दिए 7 out of 10। अब चलते हैं अगली जगह और देखते हैं क्या बढ़िया सा मिलता है। बचपन में मुझे आती थी नींद सुन के कहानियां, कभी नंबर नहीं आते थे। सोने के लिए तो नींद ही आनी चाहिए ना, नंबर का कहां से लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। बचपन में मुझे आती थी नींद सुन के कहानियां और अब हम आए जी खाने लज़ानिया। और जगह का नाम है टेटलस और ये सजेस्ट की है हमें फूडी ब्लिस ने। अभी एक बार ही चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसे होने वाला लज़ानिया। जिस जगह पे हम आगे हुए ना वो है कुछ ज्यादा ही प्रीमियम और अंदर वीडियो बनाने की परमिशन बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से टेक अवे करवा के बाद जाके खाना पड़ेगा। देखो एक लज़ानिया मंगाया था पर तामझाम इन्होंने बहुत ज्यादा दे दिया, मुझे वो देखना है कि क्या क्या आया है। मुझे बस एक चीज की टेंशन है कि हमें खुद ऐसे प्रिपेयर ना करना पड़े, ऐसे ऊपर चीज वीज लगा। दूसरी आइटम ये बड़ा सा डब्बा, तीसरी आइटम ये मुझे लग रहा है गार्लिक ब्रेड होगी। लड़के प्राइस है इस लज़ानिया का 650 रुपीस, और अगर ये स्वाद हुआ तो उस वाइब में बैठ के वर्थ इट वाली चीज है। करते हैं हम अनबॉक्स। ओ भाई साहब, ये तो पेटी है, मतलब लज़ानिया है पर क्वांटिटी इसकी बहुत कम है यार। मुझे तो डब्बा भरा होएगा, पैक तो उन्होंने अच्छे से करके दिया। लेट्स चेक दिस आउट, राजमा तो नहीं है ये, मैं कह ग्रेवी है ये, शायद इसके ऊपर डोलनी होती होगी। काफी है, बस बस बस, मैं पूरी अच्छे से बुरकी।
गरम है? गरम तो है। ऐसा लग रहा है चिकन पास्ता खा रहा हूँ मैं। मतलब लज़ानिया का टेस्ट पास्ता जैसा ही होता है, मुझे नहीं पता, मैं लज़ानिया जिंदगी में बहुत कम खाया है। सेम ही होता है पर अच्छा है। अगर अंदर बैठ के खा रहा होता ना तो इसको नंबर देता मैं 10 में से 9, पर टेक अवे करवाया तो नंबर दूंगा इसको 10 में से 7। अच्छा है, सच्ची अच्छा। अगर आपका कभी अच्छा लज़ानिया खाने का मन करे तो टैटलर्स एक बहुत ही बढ़िया सजेशन है, और यहाँ पे बैठ के खाना, टेक अवे मत कराना। फूड प्लीज ने बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन दी हुई है। टूट रहा है मेरा आज का गोल, अच्छा, ऑफ ईटिंग कैलोरीज लेस। और अगली जगह आ गए हैं हम, अवन फ्रेश। देखो जी, यहाँ पे हम खाने आए हैं पिज्जा, जो कि हमें रिकमेंड किया है गर्ल इन फुलकारी ने। और वैसे मैं कहना चाहूंगा ये जगह मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है पिज्जा के लिए, अच्छा होने वाला है। आपको दिखाते हैं किस प्रकार का पिज्जा है। हम ना अवन फ्रेश पे आए हैं, बहुत ही ऑड टाइमिंग पे, 5 बजे हुए हैं और अभी भी यहाँ पे कोई टेबल खाली नहीं है, तो अंदाजा लगा लो कितना रश होता होगा पीक आवर्स पे। तो अगर कभी आप आओ तो वेटिंग तो करनी पड़ेगी। और इसमें होगी चीज पुल, और चीज पुल करने पिज्जा ही पुल कर दिया इसने, तो स्लाइसेस जुड़े हुए थे, मेरी कोई गलती नहीं है भाई। ये चीज जो है फेविकॉल वाला था, उसने पिज्जा को ही पुल करा दिया पूरा का पूरा। ये पिज्जा जो है थोड़ा सा मोटा है, थिन क्रस्ट नहीं है, तो जिन किसी को थिन क्रस्ट पिज्जा ही अच्छा लगता है उन्हें शायद ये अच्छा नहीं लगे, बिल्कुल भी नहीं है। पर मुझे भी थिन क्रस्ट अच्छा लगता है, पर ये भी अच्छा लगता है। पर जिन लोगों को ना मतलब फुलफिलिंग पिज्जा अच्छे लगते हैं उनके लिए तो ये नंबर वन है मेरे ख्याल से। खुशबू बहुत अच्छी आ रही, टेस्ट करके देखते हैं। फ्रेश पिज्जा की ना बात ही अलग है, मज़ा आ गया, मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ। हमने वेजिटेबल वाला पिज्जा कराया था, अपने भैया को बोला जो भी वेज में बेस्ट पिज्जा ले आओ, और इसमें भर भर के सब्जियां डली हुई हैं, मजेदार, बहुत टेस्टी। और ये जो पिज्जा है ना, ये हमने छोटे साइज का मंगाया है, जिसका साइज आप खुद लगा लो बड़ा ही है। तो जब तक ओंकार पिज्जा के अंदर बिल्कुल डूब चुका है, मैं इसका रेट बता दूं, ये पिज्जा स्मॉल वाला है 500 रुपए का, बड़ा वाला है 600 रुपए का। और मैं सच्ची बताऊँ कुछ लोगों को महंगा लगेगा, बट आप एक बार खा के देखो, ये वर्थ इट है। आदित्य क्या सुना है तूने गाना? आज हम खाएंगे डंपलिंग लिंग 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 लिंग। बस तो गाइस हम आ गए वाइट टाइम इनके लेमन बैटर डंपलिंग्स खाने के लिए। पहली बार तो ऐसे डंपलिंग सुनी मैंने, पहली बार है। और ये जगह हमें रिकमेंड करी है स्वादिष्ट डिलाइट्स में। वाह, स्वाद तो होना चाहिए फिर इन मोमोज में। लेट्स गो। नहीं हुआ ना तो स्वादिष्ट डिलाइट तुम्हें पकड़ेंगे। तो मैंने टिंगलिंग लिंग लिंग कर दिया। तो गाइस जैसे कि मुक्ति ने बोला था कि मोमोज होने वाले हमारे टिंग लिंग लिंग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, मतलब ऐसा लग रहा है थाई करी के साथ राइस देने भूल गए, गलती से मोमोज रख दिए, है ना? सही बात है। दीज आर फॉर 575 और टैक्स वगैरह लगा के मेरे ख्याल से 600 रुपए के ये मोमोज है। 4-5 ओए जो येलो कलर है ना बहुत पसंद आया, जो ग्रेवी का कलर है, इस कलर को सूट इतना अच्छा लगेगा ना सच्ची में, बहुत एकदम प्यारा सा लेमन येलो कलर है। चिट्टे रंग का सूट ले लो, उस पे हल्दी डाल के ऐसा कलर कर दूंगा मैं। लेमन येलो नहीं, खट्टा पीला रंग, खट्टा पीला लड्डू रंग, लड्डू पीला रंग। फीलिंग बहुत अच्छी है, आपको एक बार तोड़ के दिखाता हूँ मैं। बिल्कुल ग्रीन वेजीज की फीलिंग है, और वो लेमन बैटर का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ वो शेजवान वगैरह की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं प्राइस को इग्नोर करता हूँ तो 10 में से 9, अगर मैं प्राइस कंसीडर करके चलूँ तो 10 में से 8। मेरी भी 10 में से 9, बहुत अच्छा। तो पहली सारी जगह हमने कर ली हुई है ट्राई, सबसे पहले ये देखते हैं कि हम तीनों को बेस्ट जगह कौन सी लगी। देखो बेस्ट मेरे को लगी है जो वो है डोसे वाली जगह। मैं तो उस जगह पे बार बार जाने वाला हूँ, वो शॉकिंग भी था हमारे लिए। डिगड़ में रहते हुए हमें नहीं पता इतना अच्छा डोसा कहाँ मिलता है। सही बात है। और मोमोज बहुत अच्छे थे, मुझे चिकन मोमोज बहुत अच्छे लगे। क्योंकि मेरे को चिकन मोमोज कभी नहीं अच्छे लगे, पहली बार लाइफ में मुझे चिकन वाले मोमोज अच्छे लगे, तो चिकन मोमोज वाइट टाइम वाले मोमोज भी अच्छे थे, वो भी अच्छे थे पर थोड़े प्राइसी थे। और मेरे को जो जगह बेस्ट लगी वो मैं भी डोसा ही बोलूंगा। और फ्रेश का पिज्जा भी अच्छा था। अगर देखा जाए कौन सी जगह अच्छी नहीं लगी, ओके लगी डिसअपॉइंटिंग पराठे, पराठा खस्ता पराठा जो था ना, वो पराठे के नाम पे थोड़ा कॉस्टली भी था, प्लेन पराठा था नहीं, उसमें बात नहीं बनी। और सोशल की चाइनीज थाली वो ओके ओके, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, ओके ओके थी। तो इसी के साथ वीडियो की करते हैं समाप्ति। आपने करने रीति रिवाज पूरे, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, घंटा दबा देना ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, बूढ़ी वी को और हम तीनों को। तो फटाफट क्लिक करके हमें फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। बाय।